हेलो फ्रेंड्स, यहाँ पे आप एक लेथ मशीन देख रहे हैं और इस लेथ मशीन पे बेसिकली एक कोलेट बनाया जा रहा है। कोलेट चक आप समझते होंगे, जो कि छोटे वर्क पीस को होल्ड करने के लिए काम आता है। तो सेटअप आप यहाँ पे देख सकते हैं, सिंपली एक ये डिस्क है, ये डिस्क बेसिकली कटिंग परफॉर्म कर रही है। ठीक है, तो कोलेट चक में क्या होता है कि डिफरेंट पोजिशन में कटिंग होती है और उसकी वजह से वो क्या होता है, मतलब उसका एक्सपांशन होता है और कॉन्ट्रेक्शन होता है, जिसकी वजह से वो वर्क पीस को होल्ड करता है। ये मैं आपको अभी पिक में दिखा देता हूँ। और ये डिस्क है, ये डिस्क बेसिकली क्या कर रही है, कटिंग परफॉर्म कर रही है, वहाँ पे जो स्लॉट कटे हुए होते हैं, ठीक है, वो कट कर रही है। ये बेसिकली हाई स्पीड स्टील की डिस्क है और यहाँ पर कंटिन्यूसली आप ये कूलेंट सप्लाई कर रहे हैं। कूलेंट के लिए कुछ अलग से इन्होंने नहीं लगा रखा था, ऊपर एक टैंक रखा था, ये देख सकते हैं, और वो ग्रेविटी की वजह से यहाँ पर नीचे आ रहा था। तो इसमें इन्होंने एक वो बल्ब लगा रखा है जिससे आप वो बंद चालू कर सकते हैं, मतलब उसकी सप्लाई को, ये देख सकते हैं पूरा। और यहाँ पे ये बेसिकली स्पेशल वर्क पीस को यहाँ पे होल्ड किया गया है टूल पोस्ट के अंदर, और जो कटिंग टूल है वो आपका चक के थ्रू रोटेट हो रहा है। चक नहीं है बेसिकली, यहाँ पे ये मैंडल है और मैंडल के सामने आपका ये रोटेटिंग डिस्क लगा हुआ है। बाकी आप ये देखेंगे तो यहाँ पे ये वही है सारा सेटअप, आपका मोटर, मोटर से हेडस्टॉक में पावर ट्रांसमिट हो रहा है, ये स्पिंडल देख रहे हैं आप, पीछे गियरिंग का सिस्टम है। ये लेथ का तो मैं बहुत सारी चीज़ें बता चुका हूँ, लेकिन स्पेसिफिकली मैंने इसलिए बनाया है कोलेट चक को दिखाने के लिए। और ये थोड़ा एक्स्ट्राऑर्डिनरी प्रोसेस है, ये इस तरह से बन के आते हैं, जनरली CNC पे बनाते हैं इसको। और इसके बाद ये जो कटिंग ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं आप देख सकते हैं, इसमें जो ड्रिलिंग एक तरह से स्लॉट काट रहे हैं, ये इस तरह का ये कटिंग आप यहाँ पर इस लेथ मशीन पर परफॉर्म कर रहे हैं। ये देख सकते हैं, ये बन के तैयार हो चुके हैं कोलेट इस तरह से। और कोलेट का मालूम होगा आपको, आगे जो मुंह होता है उससे हो। ये आप हैंड व्हील है, हैंड व्हील से आप यहाँ पे फीड दे रहे हैं किसको, वर्क पीस को। और ये सब आपने देख रखा है, मैंडल है, और ये दोनों तरफ से सपोर्टेड है आपका जो कटिंग डिस्क है ना, मैंडल है जो मैं अभी यहाँ से दिखा रहा हूँ। और यहाँ पे प्रॉपर इन्होंने मार्किंग कर रखी है जिससे हम उतना ही उसको घुमाते हैं। मार्किंग कहाँ पे करी हुई है, जो आपका होल्डर है ना उस पर मार्किंग कर रखी है, तो उस हिसाब से इसको उतना ही रोटेट करते हैं। बाकी ये एलन बोल्ट्स वगैरह ये सब देखा हुआ है आपने। तो इस तरह से इस वीडियो में सिर्फ यही बताने की कोशिश की है। तो वीडियो कम्प्लीट होता है प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे अगर आप नए हैं तो, क्योंकि आने वाले समय में भी काफ़ी वीडियो डाली जाएंगे। थैंक यू।